दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी कैरियर के साथ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और इजी टू यूज़ कलफ बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। वैसे तो बना बनाया जो कलफ है, जो स्टार्च है, जो हम अपने गर्मियों के कपड़ों को थोड़ा स्टिक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो अवेलेबल है बाज़ार में, आप जहाँ मर्ज़ी से खरीद सकते हैं। लेकिन पहली बात तो ये कि वो एक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है और हर जगह वो अवेलेबल नहीं भी होता। तो इसको हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम खर्च के साथ हम घर में भी बना सकते हैं। तो आप देखिए कि मैंने किस तरीके से बनाया है। मैं आपको लाइट और डार्क सब तरह के कपड़ों पर ये जो कलफ बना रही हूँ ये इस्तेमाल करके दिखाऊँगी। ये डायरेक्ट है, ये वो पुराना वाला तरीका नहीं है कि हम एक बाल्टी में पूरा कलफ बनाते हैं और फिर उसमें डिबो के कपड़े सुखाते हैं और फिर उसको बहुत मुश्किल के साथ प्रेस कर दिए। वो तरीका हरगिज़ भी नहीं है, ये बहुत इजी तरीका है, ये डायरेक्ट यूज़ है। तो ये देखिए, ये मेरे हैंड में मैंने बना के अब रखा हुआ है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये मैंने किस तरीके से बनाया है। तो किचन में जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो चलिए आइए किचन में चलते हैं और देखते हैं कि मैं ये कलर कैसे बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 3 गिलास पानी चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया है। हम बना रहे हैं कपड़ों पर लगाने वाला स्टार्च, जो कि बहुत ही इजी टू यूज़ है। ये मैंने एक सिंपल सा एक क्लफ जो मिलता है, स्टार्च मिलता है, वो मंगवाया खुला, और ये सिर्फ 30 रुपीज़ का आया है। इससे हम कई कपड़ों में अपने क्लफ लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इसके ओनली और ओनली 3 स्पून यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे 8 से 10 सूटों के लिए बिल्कुल काफ़ी है। एक वक्त में हम इतना ही कर सकते हैं, इसके बाद तो हम वैसे ही थक जाते हैं। तो इसलिए बाकी आप ये संभाल के रख सकते हैं और ये दोबारा बना सकते हैं। और ये जब आपने बनाना है तो आपने इसको फ्रेश ही बनाना है। ये इसको अच्छे तरीके से हमने 1 कप पानी में जो है वो डिसॉल्व कर लिया है। बनाते हैं जो हम पानी में मिक्स करते हैं फिर उसमें कपड़े डाल के भिगोते हैं, वो हम थोड़ा थिक बनाते हैं क्योंकि हमने उसको बाद में पानी में मिक्स करना होता है। इसको हमने अभी थिन ही बनाना है, हमने इसको जो है पानी में मिक्स नहीं करना, हमने इसको डायरेक्ट यूज़ करना है। इसलिए हमने इसमें थोड़ा पानी ज़्यादा ही रखा है अभी। तो अभी जैसे ही पानी में बॉयल आता है तो फिर मैं इसमें इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करूँगी। तो पानी में अब बॉयल आ चुका है। 1 कप पानी में 3 चम्मच कलफ मैंने इस तरीके से मिक्स करके रखी हुई है, और इसमें हम चम्मच चला देंगे क्योंकि ये नीचे बैठ जाती है। और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता स्टिर करते हुए मिक्स करेंगे क्योंकि ये हमने एकदम से भी नहीं डालनी, और अगर हम चम्मच भी नहीं चलाएंगे तो फिर तब भी लम्स वगैरह बन जाएंगे। ये बिल्कुल कस्टर्ड वाला हिसाब है। तो आपने इस तरीके से आराम आराम से मिक्स करते जाना है। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने कलफ बनाया था और अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसको 4-5 घंटे हो गए हैं बनाए हुए, और ये देखें अब ये इस तरह से इस फॉर्म में है। अब पहले इसको छान लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत कुछ अगर थिकनेस है, कोई लम्स हैं, वो सारे निकलने जाने चाहिए। इस तरीके से इसको पहले हम छान लेंगे। व्यूअर्स, आपने देखा कि मैंने जो कलफ है, जो स्टार्च है, वो रेडी कर लिया है और मैंने वो इस बॉटल में मैंने भर के रख लिया है। तो अब आप देख रहे होंगे कि मैंने ये थोड़ी सी डेकोरेट की हुई है। तो मुझे बहुत शौक़ है ये छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेट करने का, तो मैं आपके साथ भी इंशाल्लाह शेयर करती रहूँगी। अब मैं आपको इसको अप्लाई करने का तरीका भी बताती हूँ। तो चलिए आइए, मैं अपनी आयरन टेबल पर जा रही हूँ। तो वीवर, ये मेरे बेटे का कुर्ता है जो मैंने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करके हमने इसके ऊपर इस तरीके से ये जो हमने अपनी बॉटल रेडी की हुई है इस पर ऐसे प्रेस करना है। इसको ये देखिए, इसको अच्छे तरीके से इस पर शावर कर देना है पूरे कुर्ते पे, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हमने ऐसे ही लपेट देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं करना। मैं 2-3 कपड़ों पे आपको चेक करवा देती हूँ। अच्छा, तो ये मेरा ट्राउज।
अब मैंने इसको प्रेस करने के बाद इसको सीधे साइड कर लिया है और अब आप इसकी स्टिफनेस चेक कर सकते हैं। करीब से दिखाएं, अब आप इसकी स्टिफनेस चेक कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा स्टिफ हो गया है। और यहाँ से हमें ज़रूरत नहीं थी तो हमने यहाँ से बिल्कुल भी नहीं किया है, बस हमने इसको यहाँ तक ही किया है। इसके अलावा मैं आपको ये कुर्ता दिखाती हूँ, ये देखिए ये कितना अच्छा, ये देखिए स्टिफ हो गया है यहाँ से, पहले कितना सॉफ्ट था और अब ऐसे खड़ा खड़ा हो गया, एकदम इसके अंदर जान आ गई। और आप ये भी नोट करें कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेन नहीं आया है, क्योंकि हमने कपड़े को बैक साइड से क्लफ लगाया था और बैक साइड से ही प्रेस किया था। और अब सबसे लास्ट में मैं आपको ये अपना ब्लैक वाला कुर्ता भी चेक करवाती हूँ। ये सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि इसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्टेन नहीं आया है और ये कितना अच्छा स्टिफ हो गया, हल्का हल्का इसमें जान आ गई है, अभी उस तरीके से बिल्कुल नरम नरम नहीं रह गया है अच्छा। और अगर आपको मेरी आज की स्टार्च वाली रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता ही है। तो आपने देखा कि किस कदर आसान था और इजी टू यूज़ था और बहुत ही कम खर्च से ये हमारा तैयार हो गया है। और अभी हम इससे और भी कई ढेरों कपड़ों पर कलर लगा सकते हैं। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी? मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।